निखिलेश प्रताप सिंह। जनपद में बाढ़ की विषमता अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी जिला प्रशासन और ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में राहत सामग्रियों, दवाइयों सहित अन्य सामग्रियों का युद्ध स्तर पर वितरण किया जा रहा है। वहीं संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, जनपद में केवल राप्ती अभी खतरे के निशान से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ढेर सारे गांवों में पानी अब निकल गया है। बाढ़ की स्थिति लगभग नियंत्रण में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में लगभग बाढ़ समाप्त हो जाएगी। सर, वर्तमान समय में कितने गांव प्रभावित होंगे? वर्तमान में 100 के आसपास गांव हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से पानी कम हो रहा है और 3-4 दिनों में इन गांवों से भी पानी निकल जाने की संभावना है। सर, जो गांव प्रभावित हैं वहां पर किस तरह से राहत कार्य पहुँचाया जाए? हमारे टोटल लगभग 400 गांव प्रभावित थे। हम लोगों ने सरकार द्वारा जो राशन किट निर्धारित की गई थी, लगभग अब तक 80,000 के ऊपर राशन किट का वितरण कर दिया है। आगामी 2-3 दिनों में हम लगभग 1,00,000 पुरानी राशन किट को मिला करके लगभग 1,00,000 राशन किट का वितरण कर देंगे। जिन गांवों में बाढ़ का पानी कम होने से कहीं मकान गिरने की या कहीं और कोई हानि की बात है, तो वो अपने संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क कर ले और उनका भी मुआवजा तत्काल उनके खाते में भेजा जाएगा जैसे उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।